मतलब इन्हें शर्म भी नहीं आई ये सारी बातें कहते हुए, मतलब टिकट दिया जाना चाहिए इन्हें, ये कहना मतलब अब क्या करें। मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हो नेता हो, अगर इनकी बुद्धि और इनकी मानसिकता तक हम जाएं तो लगता है कि पता नहीं कहाँ से ये पढ़े लिखे हैं और कहाँ से डिग्रियां लेके आए हैं। इनको बता दूं मैं ये कि महिलाओं को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, इसके बारे में बात हो रही है। आपने सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी नकल कर रही है कांग्रेस पार्टी की, इसके बारे में भी ये नहीं बता पा रहे हैं। तो ये बताएं ना कि ये महिला विरोधी क्यों है, क्यों नहीं चाहते कि महिलाओं को टिकट मिले। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी, शर्म करो। महिलाओं को टिकट अपनी पार्टी में भी दो और इस बात का स्वागत करो कि दूसरी पार्टी अभी टिकट देने की बात कर रही है और वो टिकट दे, ये कहो आप। चौधरी जी देखिए, ये इनकी खीज जो आपने उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं का को सम्मान दिया, मेरे ख्याल से इस समय भी उत्तराखंड की विधानसभा में जो महिला हमारी विधायक हैं, मुन्नी देवी शाह जी हैं, पंत जी हैं, और हमारे विधायक गण का, इसीलिए तो आज हाल ये बुरे हाल है हमारे उत्तराखंड का। ये हाल बुरे हमारे हैं, इनके ये जो है नौते सिमट के रह गए, इनके बहुत अच्छे हाल हैं। ये देश के पैमाने पे 40 सीट पे सिमट के रह गए, इनके हाल बहुत अच्छे हैं। और हमारे जो है 70 में से 57 जा रहे हैं, हमारे हाल बुरे हैं। चलिए, किसका हाल बुरा है, किसका हाल स्थिर है, वो आगामी चुनाव में पता चल जाएगा।